और माशाल्लाह नात बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अदा करने का तरीका, अदायगी बहुत अच्छी, नातें लिखी हुई हैं माशाल्लाह, और जो पढ़ रहे हैं उनकी अदायगी में बहुत खूबसूरत नात है, और जिस तरह से माशाल्लाह तुमने पढ़ी पढ़ी है बिल्कुल होके, और उसमें कहते हैं ना कि शहर से ठहर जाना है बिल्कुल, और यही होना चाहिए इंशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा हमारे पास थर्ड कौन है? सुमैरा समर, सुमैरा आ जाइए। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। हमारे पास तीन बच्चे रह गए, अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में, और अभी आपने देखा कि सुमैरा जो है वो इतनी अच्छी सनात पढ़ के गई है यहाँ से, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है कि आज जो हमने सेलेक्ट किए थे वही बच्चे आए हुए हैं और सब परफेक्ट हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन देखेंगे कि आगे रिजल्ट क्या बता रहे हैं। और अभी हमारे साथ हैं आयशा, आयशा जाबिर, क्या हाल है आयशा? ठीक ठाक हो? आज तैयारी पक्की है? चलो खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा थोड़ी सी ध्यान दें अपने लिरिक्स जो आप याद कर रहे हैं, अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग हैं फाइनल में, लाइक अब गलती नहीं है, पहले भी गलती नहीं थी, हमने बहुत स्ट्रिक्टली लेके चले हर चीज को, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा चांस दे रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल भी जाहिर है, अब तो एक एक चीज को जो है ना वो आपकी पकड़ा जा रहा है, और एकदम से पकड़ लिया गया। देखो इतनी सी मिस्टेक है ये जिक्रे और जिक्र में। जी आंटी, खुदा का जिक्र करें। हाँ, तो वही ना कि एक जिक्रे में आ गया, खुदा का जिक्र करें तो हाँ, फिर वर्डिंग्स भी चेंज हो जाती है ना, चेंज जाती है। अच्छा अब हमारे साथ अथर, अथर क्या हाल है अथर? चलो
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ दे क्या हुआ था कुछ नहीं बस जरा सा ध्यान से लेकिन पढ़ी बहुत अच्छी है जी आप बहुत अच्छी पढ़ी माशा मैं अथर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ पता है वाकई आवाज होती है, आवाज है और बहुत खूबसूरत आवाज है एकदम से अथर अथर ने और एक बात मैं कहूँ जी अथर के लिए कि इसने बहुत कम पीरियड में बहुत जल्दी पिक किया है माशाल्लाह से ये हर चीज को समझता है कि जब बुरहान क्लास दे रहे होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली ये लेता है अच्छा चलो अब बैठे हैं देखते हैं अब हमारे पास लास्ट हमारी अफशीन सर अब लग रहा है कि कंपटीशन इन लोगों का जिस तरह से ये फ्रीज हो रहे हैं तो इतना अच्छा अच्छा तो बहुत ही मैं कुछ बच्चे तो बहुत ही जबरदस्त बहुत प्यारी है माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छा आवाज बहुत प्यारी है जी मुझ में उनकी सना का सलीका कहां मुझ में उनकी सना का सलीका कहां वो शहर दो सिलेक्शन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा जाहिर है वो हमने इतने अरसे बाद
सेलेक्ट करते हुए, और जाहिर है तुम लोग ज्यादा बेहतर बता और इस कंपटीशन से बच्चों के अंदर भी ये चीज एस्टैब्लिश हुई है कि हमने कलाम को सबसे पहले तरजीह देनी है। जब कलाम अच्छा होगा तो आपके समाज में वही आवाजें गूंजेंगी जिन लेजेंड्स के ये कलाम है। अच्छा साहब, मैं चाहूंगी तुम पीछे माइक दे दो ताकि वो लोग भी, मैं बल्कि सबके पास खुद से जा रही हूँ और मैं खुद से पूछती हूँ कि कैसा लगा इन लोगों को जब इन्होंने यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट किया है, तो कैसी फीलिंग्स थी? हाँ, कैसे क्या फील हो रहा है अभी, क्योंकि आज तीन बच्चे जो हैं वो निकल जाएंगे और जाहिर है तीन बच्चे हमारे पास रहेंगे और उन तीन बच्चों में से कल हम दो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और एक, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और एक बच्चे को कल हम जो हैं वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, दो बच्चों को कल हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं बारी बारी सबसे जाना चाह रही हूँ कि सब अपना बताएँगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी एक्साइटमेंट थी कि क्या करना है। बस शौक था टीम आने का हो गया। अच्छा, शौक पूरा हो गया। और नाक पहनने का भी शौक था, वो भी पूरा हो गया। बोले से सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ? अगर मैं कैसे पता कि तुम सिलेक्ट नहीं हुई तो? अभी तो अभी तो अगर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया ना। हाँ, माइक पकड़ लो, अब बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि उम्मे फातिमा नाथ फाउंडेशन की तरफ से यहाँ आई, पहली दफ़ा चैनल पर आई मैं, और बहुत कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आ गया अब मुझ में ना, कि जैसे लाइव ऑन एयर मैं पढ़ लेती हूँ आराम से, माशाल्लाह। हाँ, और सब देख रहे होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सही जी, सुमेरा जी, अच्छा लग रहा है बस, और जो है डर बस बहुत लग रहा था। डर लग रहा था जी, बेटा अच्छा। यही कंपटीशन है। हाँ, जाहिर है यही तो कंपटीशन होता है जी। अफशीन, हार्ट बीटिंग इज गेटिंग फास्ट एंड आई जस्ट इन टेंशन। अच्छा, टेंशन में हो भी कि क्या होगा? Yes. अच्छा, क्यों क्यों, किस बात की टेंशन है? घर वाले कुछ कहेंगे? नो नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, क्या हाल है, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है वैसे तो अभी। क्या क्या फीलिंग्स है? बस डर लग रहा है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हो, तुम और आगे बढ़ोगी। अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ? कुछ होगा तो नहीं। हाँ, लेकिन मैं शौक से आई हूँ यहाँ पर पढ़ने, फातिमा फाउंडेशन की तरफ से। हाँ, तो मेहनत करो बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत। कोई नहीं, तुम्हें टीचर कुछ नहीं कहेंगे जी। अथर, तुम बताओ कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो छोटी सी गलती हो गई है अभी पढ़ते में, इसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अंदाजा हो गया था कि बहुत बड़ी ब्लंडर कर गए, अल्फाज याद नहीं आया, थोड़ा सा जहन जो है ना। हालांकि प्रैक्टिस तो तुम्हारी बहुत होगी। बहुत की थी प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ी सी भी कमी रह जाती। हाँ, और मैंने उससे पहले यही बोला था कि एक एक वर्ड को जो है हम काउंट कर रहे हैं और ये कमी ही बेटा आपको आगे जो है ना वो। हाँ जी, क्योंकि देखो सिर्फ हम लोग नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हम चार लोग नहीं सिलेक्ट कर रहे, सब लोग हैं जो लोग देख रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। तो ये ना हो कि लोग ये कहें कि भाई इन्होंने इनको क्यों दे दिया, और बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जी फेवरिज्म की बात आ जाती है, बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है ना इस वजह से, ठीक है। अच्छा जी साइमा, अब जी, क्या ख्याल है कि हमें बता देना चाहिए? हाँ बिल्कुल बता देना चाहिए, इंशाल्लाह ताला जो तीन बच्चे यहाँ से वाइंड अप करेंगे उनको बिल्कुल डिसहार्ड नहीं होना है। हाँ, उनको और मजीद जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, ठीक है। और ये कॉम्पिटिशन ही है जो आपको इस बच्चे आ जाइए। हाँ, सबको यहाँ बुलवाना, और ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, वरना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हाँ, आ जाओ सब बच्चे, इधर आ जाओ। हाँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आंटी बताएंगी, कौन बताएगा? चलो सायमा बताओ। अच्छा जी, नंबर वन पे जो वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही सुकून सा एक सुनने लगा, मतलब कानों में अच्छा लगा, वो हिबा हैं, हिबा की आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आवाज़ है, और पढ़ने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा था, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मौजूद जो कि इंशाल्लाह ताला फाइनल में कोशिश करेंगे कि उसको आप देखें बहुत अच्छी तरीके से। और सेकेंड पे जो है वो सैयदा वजीहा, वजीहा ने कलाम बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये ने फर्स्ट डे भी यही कलाम सेलेक्ट किया था। अब तीसरी पोजीशन में जो है वो थोड़ा सा हम एक दूसरे से जरा मशवरा कर लें तो फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें लेकर चलना चाहिए। और हाँ ठीक है, आंटी से भी पूछ लो। हाँ, सही है, बिल्कुल।